हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है सोना टिप्स में। मैं सोनाली, आपकी दोस्त। दोस्तों, आप सबने तो भीड़ के बारे में बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी कि कैसे आप अपने घर में अपने हेयर को, अनचाहे हेयर को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं भीड़ सेंसिटिव टच से। ओके, तो ये है पैकेट और ये है उसका सारा सामान। मैं इसके बारे में बाद में बात करती हूँ, पहले मैं बात करती हूँ, क्या आप भी ये ख़रीदने के बारे में अभी सोच रहे थे? क्या आपके किसी भी शॉपिंग कार्ट में अभी ये आपने ऐड किया है? अगर किया है तो ज़रूर वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इसको ख़रीदने के बारे में सोचना, ठीक है। इसका जो प्राइस है वो है 2,250, पर मैंने इसमें नहीं लिया है। 1,600 समथिंग कुछ लगा था इसका प्राइस, बट 1,600 समथिंग जो भी हो, 1,600 ही पकड़ लेते हैं, 1,600 रुपीज़ का ये जो मैंने लिया है। तो ये ट्रिमर क्या मेरे 1,600 रुपये जैसा बजट में, मतलब ये उतना बजट अगर सही से कहा जाए तो ये बजट फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। 1,600 रुपया बहुत ज़्यादा है, पर हम फिर भी हम लड़कियां सोचते हैं कि बार बार पार्लर जाने से बेहतर है घर में परमानेंट कोई बंदोबस्त कर ले। और ज़्यादातर हम इसीलिए इस वीट सेंसिटिव टच को यूज़ करते हैं, इसकी ताकि हम अपने आईब्रो को सेफ कर सकें। इसी में हम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे नए जो पार्लर में बहुत सारे लोगों का जो, वो लोग हमारे जो ट्रेनिंग करते हैं आईब्रो को सेफ करते हैं, वो हमें पसंद नहीं आते। तो हम सोचते हैं कि हम क्यों ना खुद अपना आईब्रो को खुद शेप कर ले अपने तरीके से, अच्छे तरीके से। तो इसीलिए हम सारे लड़कियां, बहुत ज़्यादा लड़कियां इसके पीछे पागल हो जाती हैं कि हमें वीट सेंसिटिव टच ख़रीदना है। मेरे जैसे बहुत सारे दोस्तों को भी ये ख़रीदने की लत ही लग गई थी, तो मैंने सोचा मैं इसको ख़रीद के पहले यूज़ कर लेती हूँ। मैंने भी आप ही लोगों जैसा सोचा था कि चलो इसको यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद मुझे कभी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, क्या ये सोच सही बैठती है? क्या आपका पैसा, अगर आप पैसे इस पर इन्वेस्ट करोगे तो वो क्या आपका मतलब ये फ़ायदे का सौदा होगा या नुकसान का? जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिए। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। तो ये रही उसके अंदर की पैकेजिंग, ऐसे पैकेजिंग में आती है और आपको डिटेल मिल जाएगी इस पैकेट के पीछे, आपको यहाँ पे सारी चीज़ों की डिटेलिंग मिल जाएगी। ओके, तो अब इसको मैं खोलती हूँ, कैसे आपको यूज़ करना है वो मैं नहीं दिखाने वाली हूँ, एक सेकंड, मैं जो बताने वाली हूँ उसको सुन लीजिए। ओके दोस्तों, तो बट ये देख लीजिए, यहाँ पे एक बैटरी भी दिया होता है। ये मैंने खोला इसको, यहाँ पे बैटरी मैंने यहाँ पे ना बैटरी मैंने लगा के रखा है, एक सेकंड, खुल गया ना। हाँ, यहाँ पे मैंने बैटरी भी लगा के रखा है, इसको आपको बंद कर देना है, बहुत ही आसान तरीका है। और ये जो है, ये थ्री एंगल से आपका, आप ऐसे आपको घुमा सकते हो इसको अपने अपने हिसाब से, जहाँ भी आप कर रहे हो अपने हेयर को रिमूव कर रहे हो उस हिसाब से आप कर सकते हो। अब मैं आती हूँ, क्या ये सही है यूज़ करना या गलत है। देखिए, आप जब पार्लर में जाते हो, वहाँ पे आप थ्रेडिंग करते हो, वहाँ पे आईब्रो को शेप करते हो, या फिर कुछ भी फेस, अपने फेस का जो भी हेयर है उसको रिमूव करते हो, तो क्लीन हो जाता है, नीट एंड क्लीन हो जाता है स्किन, कोई लगता नहीं है कि यहाँ पे आपका हेयर था और वो रिमूव हुआ है। मैं फेस के बारे में नहीं बोल सकती क्योंकि मेरे फेस पे उतने हेयर नहीं है, तो मैं इसको यूज़ नहीं किया है फेस पे, सॉरी। बट मैंने फोरहेड पे और यहाँ पे मैंने जो यूज़ किया, ये मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। पहले तो क्या हुआ, मैंने जब ट्राई किया इसको, तो मैं ठीक करने के चक्कर में मेरा ये दो जगह गायब हो गए। ओके, बहुत ज़्यादा रिस्की है इसको यूज़ करना। ये है बटन, तो आप इसको ऐसे ऐसे, आपको लगेगा कि आप मुझे इसको क्लियर करना है, बट क्लियर ये होगा नहीं, क्योंकि रूट्स जो होते हैं वो अंदर रह जाते हैं, तो आपका यहाँ पर जो क्लियर, जो क्लीननेस होगी ना, वो नहीं दिखने वाली है। क्लीन आईब्रो का शेप नहीं होने वाला है आपको। जैसे जब रूट रह जाता है तो एक ग्रीन ग्रीन टाइप का, एक ब्लू ब्लू टाइप का हो जाता है ना स्किन में, मतलब देख के लगता है कि हाँ, ये आईब्रो कितना भी कर लो आप, शेप कितना भी करवा लो, बट लगेगा नहीं। बस ये क्या है, तो ये है किस लिए, मुझे ये लगा कि मतलब आप कहीं जा रहे हो तो बस आपके पास टाइम नहीं है पार्लर जाने का,
बट मैं कहूँगी, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ना या तो वैसे ही जैसे आपका निकला है वैसे ही चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ही हेयर है, कोई मतलब अनचाही चीज़ है नहीं है, ये तो पैदा ऐसी चीज़ है कि हेयर निकलेगा आईब्रो में, तो आप ऐसे ही चले जाओ, भले ही ऐसे चले जाओ, या फिर पार्लर जाओ वहाँ पे कराओ, या फिर दूसरे जो तरीके हैं उसको अपनाओ, बट मेरी ये सोच है कि इसको बिल्कुल यूज़ ना करो, यस इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करो, पैसे बर्बाद हुए, मेरे पूरे पैसे बर्बाद हुए। हाँ मैं इसको ट्रिम के करने के लिए यूज़ ज़रूर कर सकती हूँ, बट मैंने एज ए ट्रिमर सिर्फ बाकी चीज़ों के लिए यूज़ इसको नहीं ख़रीदाता, मेरा स्पेशली जो भी इसको ख़रीदता है ज़्यादातर ख़रीदता है इसके आईब्रो सेव करने की वजह से, बट वो पैसा तो मेरा बर्बाद हो गया, ठीक है, क्योंकि ट्रिमर तो बहुत सस्ते में मिल जाता है, और हम कुछ और भी सोच सकते हैं, कुछ और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो बहुत सस्ते हैं, इतने ज़्यादा महंगा नहीं है, इतना ज़्यादा महंगा बिल्कुल नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूंगी आपको, और इसीलिए मैं दोबारा आपको करके नहीं दिखा रही हूं, मैं दोबारा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूं कि मेरे फिर से गायब हो जाए मेरी आईब्रो फिर से गायब हो जाए। अगर आप ये कहोगे कि मुझे करना नहीं आता तो ठीक है, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग इसको यूज़ पहली बार जो भी यूज़ करेंगे उसका आईब्रो गायब होना पक्का 80% पक्का है, ठीक है, गायब होना ही होने ही वाला है। अगर आप एज ए ट्रिमर यूज़ करना चाहते हो इसे, तो इससे बहुत सारे सस्ते ट्रिमर मौजूद हैं, आप उसको खरीद सकते हो, ये मेरी ओपिनियन है, आपको अगर अच्छे लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं जैसा इसको ख़रीदने के बाद मुझे बुरा लग रहा है आप लोगों के साथ ये ना हो, इसीलिए मैंने ये चीज़ शेयर की। अब आपकी अपने पैसे कहाँ बर्बाद करोगी ये तो आप ही पे डिपेंड करता है, तो आप जहाँ चाहते हो कर सकते हो, बट मेरा राय था, मैंने जो मेरा जो राय था वो मैंने बता दिया आपको, और मुझे लगा था कि ये आपको बता देना चाहिए अगर आप ये सोच रहे हो, उसके बाद आप अपना डिसीजन खुद ले सकते। दोस्तों ये वीडियो ज़रूर हर लड़की तक शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि हर लड़की को ये जानने का हक है कि वो जो जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करना चाहती है क्या वो चीज़ सही है उसके लिए या गलत है। वीडियो उनको देखने दो, उनको समझ में आ जाएगा उनको क्या करना है, उनको पैसे इन्वेस्ट करने हैं नहीं करने हैं वो उनकी मर्जी है, बट शेयर ज़रूर कर देना हर लड़की तक। ओके दोस्तों, तो चलती हूँ, बाय टाटा, और हाँ अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना, और नीचे कमेंट ज़रूर करना, अगर आप इससे अच्छे तरीके से प्लग कर सकते हैं, आईब्रो को शेप कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके दोस्तों, बाय टाटा।